नर्मदे हर दोस्तों, कैसे आप लोग? सभी लोग ठीक होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। माँ नर्मदा जी ने सभी को खुश रखा है। तो आज का सवाल पूछा है के शाह जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोगों के दिल में रहने वाला सवाल। उनका सवाल ये होता है, परिक्रमा में कोई ग्रुप मिलेगा क्या? बहुत सारे फोन आते हैं, कोई साथ हो तो अच्छा हो। अरे मेरे प्यारे बंदो, ऐसी बात नहीं है। आप सभी संसार में हमेशा किसी न किसी के साथ ही चले। अब उस मार्ग में भी किसी के साथ चलना चाहते हो? क्यों? वो मार्ग ऐसा है जो हमेशा से अकेले ही चला गया है। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में गए तो अकेले ही गए। कितने प्यारे थे वो भाई, कितने प्यारे थे उनके। द्रौपदी कितनी प्यारी थी। सभी लोग, इतने प्यारे प्यारे लोगों को छोड़ के वो अकेले स्वर्ग गए थे। अकेले क्यों गए थे? क्योंकि वो मार्ग बना ही अकेले के लिए है। अध्यात्म का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, वैकुंठ का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। आप सारी जिंदगी सबके साथ रहे, परिवार के साथ रहे, वो परिवार भौतिक जीवन में आपका साथ देगा, अध्यात्म के मार्ग पे नहीं देगा। हाँ चलिए, आप परिवार की बात नहीं कर रहे, किसी के साथ की कर रहे, मतलब मित्र है कोई, फिर परिक्रमा में मिले उनके साथ, या फिर ग्रुप। ये ग्रुप का तो मैं परेशान हो गया वो ग्रुप का सुन के। तो किसी किसी का ग्रुप 80-80 लोगों का ग्रुप। अब सोचिए एक बार, 80 लोग एक साथ किसी आश्रम में जाएंगे तो कैसी सेवा कर पाएंगे? वो उस आश्रम की कैपेसिटी है 10 या 20 लोगों की, वो 80 लोग गए, कैसे सेवा करेगा वो साधु या फिर सेवा करने वाला? क्या हालत हो जाएगी उनकी? और वो ये भी नहीं सोचेगा कि साधु लोगों को बुरा लगे। अगर वो बोलता है कि कुछ लोग आगे चले जाओ तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं, कि हमको आगे जाने के लिए बोल रहे पर आश्रम खोल के बैठे हैं, ये सेवा नहीं कर पा रहे, ऐसी बातें होती है फिर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रुप आप नहीं बनाओ तो अच्छा है। देखिए, आपको हाथ जोड़ के विनती है, ग्रुप से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कोई एमपी के बहुत सारे लोग हैं, गांव का पूरा ग्रुप लेके चलते हैं, गांव का रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, सब लोग ग्रुप लेके चलते हैं। एक गलत बात है। और मैक्सिमम महाराष्ट्र की भी ऐसे ही करते हैं, पूरे गांव से बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, आप भी चलोगे तो चलो, आप भी चलो, चलो चलो चलो, 10 लोग हो जाते हैं, 20 लोग हो जाते हैं, हाँ चलो नर्मदे यार, चलो भाई जा रहे हैं ग्रुप बना के। लेकिन आगे क्या दिक्कत होने वाली है उनको पता नहीं है। ग्रुप में आपके रिश्तेदार रहते हैं, ग्रुप में आपके सगे संबंधी रहते हैं, मित्र रहते हैं। जब उस मार्ग पे जाओगे ना तो सबकी असलियत वहीं दिखेगी कि भाई किस लेवल के हैं। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूं, अपने सगे भाई को सगा भाई छोड़ के गया है, उसके पैर में लगी थी इस वजह से। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी के ऐसे होते, नहीं दोस्तों, सभी के ऐसे नहीं होते। कुछ लोग लक्ष्मण जैसे भी भाई होते, कुछ लोग राम जैसे भी बड़े भाई होते, ठीक है। लेकिन इस दुनिया की असलियत है ये, इस शरीर की असलियत है ये। जो आप रिश्ते नाते बनाते हो ना, वो रिश्ते नाते की पवित्रता बहुत थोड़ी होती है। एक ही रिश्ता पवित्र है, एक ही रिश्ता हमेशा के लिए है, वो परमात्मा के साथ होता है। तो इसलिए ग्रुप बनाने की आप सोचो मत। मैंने ऐसा देखा है कि पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते, पति पत्नी में भी कभी कभी अनबन हो जाती है। तो रिश्ते आते रहते, कहा आप सोच रहे हो कि साथ जाए। और एक अपने परिवार के ही है, व्यूवर्स है, उन्होंने तो हद ही कर दी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो तो बोल रहे हैं कि कोई गुजराती साथी चाहिए मुझे। अब ये गुजराती पे आ गए, गुजराती भाई मेरे अच्छे सारे लोग, बहुत अच्छा उनका भाव है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपको साथी ही चाहिए, आपको अपनी भाषा में ही चाहिए, ठीक है। इतना कुछ फैसिलिटी कैसे हो सकती है?
और साथ चाहिए क्यों आपको जब मैया मिलेगी अकेले में ही। हो सकता है दो लोग चल रहे हैं, तीन लोग चल रहे हैं, पूरा ग्रुप चल रहा है और मैया को दर्शन देना है एक ही को, तो उन ग्रुप की वजह से उसको भी नहीं मिलेगा दर्शन, बताओ रह गया ना दर्शन के। तो इस वजह से आप प्लीज अकेला करिए। साधु संत क्यों अकेला निकल पड़ते हैं? क्योंकि वो एक कुछ ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आप अगर ग्रुप में चलते हैं तो आप अपने आप से ही निवृत्त नहीं हो जाते, निवृत्त नहीं होते। आप अपनी अपने गांव का बंदा होगा तो उससे बात करोगे, अपने घर का बंदा होगा तो उससे बात करोगे, अपने रिश्तेदार होगे तो उससे बात करोगे, वही विषय चलता रहेगा। तो परिक्रमा पे क्या ध्यान उस जो, और कुछ लोगों के मैंने फोन आए थे, उन लोगों से सुना कि उसी के ग्रुप में, उन्हीं के ग्रुप में क्या होता है, कुछ लोग पीछे रह रहे, वो चल नहीं पा रहे और ये परेशान हो गए कि हमें तो आगे जाना है लेकिन इनके वजह से चल नहीं पा रहे, वही परेशानी लेके चलते रहोगे तो काहे की परिक्रमा हुई। आप अपने में ही दुखी हो जाएंगे उस परिक्रमा में। वो मार्ग ही ऐसा है, सबकी असलियत वहां समझ में आ जाती है। तो इस वजह से आप ग्रुप लेके ना चलिए। ग्रुप लेने से जो सेवा कर रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इतने सारे लोग एकदम से जाते हैं। चलिए आप 10 का ग्रुप बनते हैं, बनाते हैं, तो आप सोचेंगे कि अगले 10 का तो सेवा कर ही सकते हैं, लेकिन आप जैसे और ग्रुप होंगे उधर, और 4-5 ग्रुप होंगे तो 50 लोग वैसे ही हो गए, तो फिर ऐसे ग्रुप लेने से क्या फायदा? किसी को, हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सेवाधारी को ही प्रॉब्लम हो रही है जो हमारी इतनी ख्याल रखते हैं, तो क्या परिक्रमा निष्फल है? तो इस वजह से ग्रुप लेके प्लीज ना चले। ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे बस, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, क्योंकि कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाती है तो 2 लोग बहुत है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, 2 लोग हो तो ठीक है, सबसे बेस्ट, उससे ज्यादा ना चले क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आश्रमों में जहां जहां मैं सेवा कर रहा हूँ वहां खुद हो जाती है, और बहुत सारे आश्रमों के महंत और बहुत सारे गुरु, बहुत सारे महात्माओं के मेरे पास कॉल आते हैं या फिर उनसे मिलता हूँ तब ये दुविधा देखने को मिलती है, तो बोलते हैं प्रशांत जी आप प्लीज ये बात बोलिए कि ग्रुप में ना चले, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, ग्रुप में कभी ना चलिए, किसी का साथ मत ढूंढिए आप। सभी लोगों को लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो साथ में कोई हो। अरे आपको प्रॉब्लम क्यों होगी? प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, मैया आपके साथ है, ठीक है? और आप प्रॉब्लम तभी होगी जब किसी को साथ लोगे। आप लोगे 4-5 लोगों को साथ तो उन्हीं में खचपच खचपच चलती रहेगी, वो प्रॉब्लम ही है। आप कभी अपने आप, अपनी लाइफ या अपना नेचर जी नहीं पाओगे। तो किसी को साथ लोगे तो प्रॉब्लम होगी, आप साथ नहीं लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अकेले हो, मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, खाना मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, मैया का नाम ले रहे, आराम से जहां मिल रहा है वहां रह रहे, चलो चलते, ठीक। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए नहीं रह सकती क्योंकि जो लेडीज है वो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो किसी एक को साथ ले सकते हैं, या फिर कोई 2 बंदे चल रहे तो उनके साथ पीछे पीछे चल सकते हैं, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं है, आगे निकल जाओ फिर दूसरों के साथ चलो। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, साथ की आप कभी सोच के ना चलिए। ये बहुत बड़ा विषय है और हर फोन आता है तो वो बोलते हैं कोई साथ मिल जाता तो ठीक रहता, या फिर बोलते हैं कि हम अभी परिक्रमा उठाने वाले हैं, कोई साथ हो मिलेगा क्या हमको? अगर नहीं मिलेगा तो आप परिक्रमा नहीं करोगे, अगर आपको मिलेगा तो ही परिक्रमा करोगे। परिक्रमा साथ के लिए कर रहे हो या परिक्रमा के लिए साथ चाहिए? ऐसा मत करिए, आप हमेशा पॉजिटिव सोच के रखिए और साथ आपको नर्मदा मैया का हमेशा है, ये सोच के रखिए, मन में रखेंगे ना तो सब कुछ होगा। ये विषय पूरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और सबका विषय था, सब लोग साथ ढूंढते हैं और सभी लोग मैक्सिमम सोचते हैं कि मेरे साथ कोई रहे, तो इस वजह से मैं ये विषय लेके आया हूँ। तो कुछ बुरा बोल दिया हो तो माफ करें, लेकिन मैंने जो है सच बोला है। देखिए, तो किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी और क्षमा करें, क्योंकि मैं आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ, तो इस वजह से मैंने ही बुरा बोला, ऐसा मत सोचिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और नए नए सवाल पूछते रहिए, मैं उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव।